नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोहिला स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप पहले से भी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, परसों मैंने आपको बताया था कि मेरी सर्जरी हुई थी छोटी सी हाथ की, और उस पर टेप वगैरह लगा के उन्होंने ड्रेसिंग कर रखी थी, और कल मैं ड्रेसिंग करवा के फिर से आई हूँ। आज थोड़ा सा लूज़ कुछ मैंने पहन लिया है, लेकिन जो उन्होंने पहली बार जो ड्रेसिंग की थी वो इतनी ज़्यादा उन्होंने पट्टी बांधी राउंड ऑफ में कि मतलब मेरे हाथ पे थोड़े थोड़े हेयर हैं, तो जब उन्होंने वो पट्टी हटाई ना तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त पेन हुआ। तो अभी बस उनको कह के सिर्फ इतनी पट्टी लगवाई है जितने में वो घाव है, और ये अभी आप स्क्रीन पर घाव देख सकते हैं थोड़ा सा। मतलब जब मैंने ये सर्जरी कराई थी ना, तो सच बताऊँ तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इतना डर तो जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब भी नहीं लगा, उस टाइम पे ये लगा लो कि अंदर से मन में बच्चों के लिए इतना मतलब प्यार था कि मुझे ये लग रहा था कि बस कैसे भी करके मेरा बच्चा मेरे सामने आ जाए। और अब जो ये चीज़ है इसमें मतलब सिर्फ मेरे को ये था कि अपने दर्द को ख़त्म करवाना था, तो मतलब कोई अपने इस दर्द से मेरे को कोई प्यार नहीं था, तो बस थोड़ी सी घबराहट थी। लेकिन अभी फ़िलहाल पहले से बहुत बेटर है। अभी उन्होंने बोला है कि आप अपने घर में रह कर ड्रेसिंग कर सकते हैं, तो पेन है लेकिन इतना नहीं कि बर्दाश्त ना किया जाए, आराम से हो रहा है। काम वाम भी मैं बड़े अच्छे से कर पा रही हूँ। और कल मैंने एक काम और किया है, अपने मेरे जो छोटे वाला बेटा शिवांश है उसका नर्सरी में एडमिशन करा दिया है। वो डायरेक्ट नर्सरी में गया है, प्ले स्कूल में नहीं गया अभी। एक्चुअली वो थोड़ा बोलता कम है वो भी, लेकिन थोड़ा सा ये लगा लीजिए कि खुराफात थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खुराफाती है। तो उसका कल एडमिशन का प्रोसीजर लगभग कंप्लीट हो गया है, और आजकल के तो आप सभी को पता है एडमिशन भी बस पूछिए मत, इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं एडमिशन्स के, बस पैसों का स्कूल बना हुआ है आज के टाइम पे। लेकिन अब जो उसका सारा जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया है, और जो मेरे बच्चों के जो माँ बाबा हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, तीनों बच्चों से बहुत ही ज़्यादा। तो उनके कोई भी चीज़ मतलब शायद पता नहीं वो दिल में फील भी नहीं करते होंगे कि ये वाली चीज़ चाहिए, उससे पहले ही मांगने से पहले उनके माँ बाबा जो हैं चीज़ ला देते हैं। तो उसके बाबा भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसके स्कूल जाने के लिए कि उसका बैग, उसका टिफ़िन, उसकी ज्योमेट्री, उसका पानी की बोतल, उसके शूज़ सब कुछ, और साथ ही साथ मेरे बड़े वाले बेटे के भी सैंडल। अभी इस तरह की बहुत सारी चीज़ इसके बाबा मतलब लाते ही रहते हैं, उनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं लाने की। मतलब बच्चों के पास एक्स्ट्रा में ही सामान वो रखते हैं कि बच्चा किसी चीज़ के लिए ये ना करे कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। बहुत प्यार करते हैं इनके माँ बाबा बच्चों से, और अब शायद इसको स्कूल में छोड़ने भी इसके बाबा ही जाया करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, बहुत पास में है। तो अब मेरे तीनों बच्चे ही अपने स्कूल में जाने लगेंगे, दो तो पहले से ही जा रहे थे, अब तीसरा भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गई, जिन जिन दोस्तों को पता चला मेरी थी ये माइनर सर्जरी, जो भी छोटा मोटा जो भी हुआ था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, जो भी मतलब मेरे जानने वाले हैं, स्पेशली मेरे मदर और फादर भी, उनको भी मैंने नहीं बताया था कि मैंने कुछ कराया। उन्होंने भी मेरी मतलब वीडियो देखी है, तभी उनको पता चला था कि मैंने ऐसी सर्जरी कराई है। तो इतना कंसर्न अपना दिखाया, इतना प्यार दिखाया, तो सच्ची में बहुत 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 थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू कि मतलब आप सब ने मेरा हालचाल पूछा। देखो, किसी को कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत भी होता है, तो कोई किसी से पूछ लेता है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, तो इससे हम किसी दूसरे बंदे को ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जो जो दिमाग की मानसिक जो शांति होती है ना, वो किसी बंदे को मिल जाए तो इससे बढ़ के कोई काम नहीं है। क्योंकि देखो, जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ तो असर करती हैं, लेकिन दवाइयों से ज़्यादा असर क्या करता है कि अगर आप किसी पेन में हो, थोड़ा पेन हो या फिर चाहे ज़्यादा पेन हो, अगर कोई आपके साथ खड़ा है और आपको ये कह दे कि कोई बात नहीं, दर्द है चला जाएगा, मैं साथ हूँ ना, इतना कह देना ही बहुत काफ़ी होता है। इससे अपनेपन का एहसास भी आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय।
नमस्ते।